आज हम बना रहे हैं पनीर बटर मसाला, रेस्टोरेंट की एक बहुत फेमस पनीर की डिश। और इसकी बनाने की मेथड आप पूरी देखेंगे तो होटल से अच्छी पनीर बटर मसाला हम लोग घर पर बना सकते हैं। तो इसकी पूरी प्रोसेस आप पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें लेना है एक कढ़ाई, कढ़ाई में लिया हुआ मैंने फल्ली का तेल, उसमें डाले हैं मैंने 2 तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा। इनको मुझे कुछ देर भूनना है। इनको भूनने के बाद मैं डालूंगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, करीब 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें चलाते हुए भूनना है, ये चिपके ना नीचे, इस तरीके से। 1 से 2 मिनट बाद मैं डालूंगा इसमें प्याज, एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें कलर चेंज होने तक पकाना है, हल्का सुनहरा होने तक। प्याज का कलर चेंज होने के बाद हम डालेंगे इसमें मसाले, जो कि है 1/2 चम्मच के आसपास हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च। अब इन मसालों को हमें पकाना है, मसाले जले ना, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 4 से 5 चम्मच के आसपास हम इसमें पानी डालेंगे। और इस पानी के साथ हम इन मसालों को 2 या 3 मिनट पकाएंगे। मसाले बहुत अच्छे तरीके से जब पक जाएं इस तरीके से, तो हम डालेंगे हमारी टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी को भी हमको पकाना है इन मसालों के साथ। 1 से 2 मिनट बाद हम डालेंगे इसमें काजू का पेस्ट। काजू के पेस्ट को मैंने मिक्सर से क्लीन करके निकाल लिया है इस तरीके से। अब इन मसालों के साथ हमको इनको मिक्स करना है। हम डालना है नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद हमें ग्रेवी मिला करके ढक्कन लगा करके 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। आप बीच में चला भी सकते हैं। साइड में हमें लेना है एक पैन, पैन में डालना है बटर, नमक और हल्दी, और डालना है हमें हमारे पनीर के क्यूब्स बाजू में, और हमें उनको धीमी आंच पर पकते रहने देना है। 3 से 4 मिनट जब हम ग्रेवी देखेंगे, देखिए हमारी ग्रेवी ने कलर चेंज कर लिया है। अब डालेंगे इसमें पानी। मैं यहाँ 1 से 1.5 कटोरी के आसपास पानी ले रहा हूँ। पानी के बाद मैंने डाला है इसमें सब्जी मसाला, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कसूरी मेथी भुंजी हुई, इस तरीके से इनको मिलाना है। अभी पनीर जो बाजू में हमारे पक रहे थे, ये देखिए अभी बबल्स दिख रहे हैं आपको इसमें, ये देखिए बाजू में, हमें इसका तड़का सॉर्ट ऑफ इसको डालना है ऊपर से ऐसा। और ग्रेवी हमको कर लेना है हमारी क्लीन। इसमें काफ़ी बटर है, उसको इस तरीके से अप्लाई करके आप निकाल लीजिए, इसको मिक्स करिए, और हमारी पनीर बटर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार है। इसको आप बिल्कुल बनाइएगा, और ये आपको बाहर से ऑर्डर करके बुलाने की आपको इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ऑसम टेस्ट है सब्ज़ी का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।